एक्चुअली मुझे ऐसे जितना एक्सपीरियंस तो नहीं है, और मैं खुद मेडिकल की स्टूडेंट हूँ, और ये आर्ट्स वगैरह तो मैं ऐसे ही फ़न के लिए करती रहती हूँ. तो ऐसी अपॉर्चुनिटी मुझे मिली, मैंने सोचा क्यों ना अपने मुल्क को अच्छा बनाने के लिए, क्वेटा को प्यारा बनाने के लिए मैं कुछ करूँ. तो मेरे फादर मेरे साथ हैं, उन्होंने मेरी हेल्प की और मैं यहाँ पर आई हूँ ये बनाने के लिए. विंग्स, ये म्यूरल है बेसिकली, और यहाँ पिक्चर ली जाएगी, सोशल मीडिया पर वायरल होगी, इसे देख कर लोग आएंगे, प्रमोट होगा ये, तो उनमें भी जोश व जज्बा आएगा इस चीज़ को देख कर के. हमें भी क्वेटा को साफ़ सुथरा करना चाहिए और वॉल चॉकिंग को नहीं अवॉइड करना चाहिए वॉल चॉकिंग को. सो बेसिकली ये इसी तरह विंग्स हैं, और इन विंग्स में बलोची पैटर्न होगा, बलोची कल्चर को रिप्रेजेंट करेंगे, साथ साथ ब्यूटी भी है. हम जो हैं इस टाइम बलोचिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि बलोचिस्तान की पहचान क्या है. बलोचिस्तान की पहचान जो है एक मारखोर है. बलोचिस्तान को रिप्रेजेंट ही एक मारखोर करता है कि उसका कौमी जानवर है बलोचिस्तान का. और ये सारे जो हम लोग ने वर्क किया है, ये सारे स्प्रे से हम लोग ने वर्क किया है. इसमें मुख्तलिफ कलर्स आएंगे, पहाड़ आएंगे बलोचिस्तान के और मारखोर आएगा. ये हमें डीसी साहब की तरफ से, सॉरी क्या नाम है, एडमिनिस्ट्रेटर साहब की तरफ से हमें बोला गया था कि ये काम करना है. इससे पहले आता कि हम लोग को वॉल्स पेंटिंग यहाँ पर प्रोवाइड नहीं होती थी क्वेटा में, हम बाहर जाते थे वॉल पेंटिंग करने के लिए. लेकिन एडमिनिस्ट्रेटर साहब की तरफ से हमें बहुत अच्छा मौका मिला है कि हम अपना टैलेंट शो करें, और ये हम इस हवाले से कर रहे हैं. अच्छा, बेसिकली यहाँ जो आने का मकसद है वो ये है कि क्वेटा में वॉल चॉकिंग बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, तो मेट्रो कॉरपोरेशन वालों ने पहले एक मीटिंग रखी थी जिसमें और भी बहुत से स्टूडेंट्स थे, जिसमें डिस्कशंस हुई कि हम अपनी सिटी को, उनकी वॉल्स को खूबसूरत दिखाने के लिए क्या कर सकते हैं. तो वॉल आर्ट सबसे बेस्ट इसमें आइडिया था, और डिफरेंट आइडियाज़ और थीम डिस्कस हुए. मैं ग्रेफिटी थीम पर काम कर रही हूँ जिसमें वैक्टर डाइग्राम ड्रॉ करें, हम एक लाइन बना रहे हैं बट हम ज्योमेट्रिकल शेप से बना रहे हैं, और उसमें यह है कि ब्रेवरी और कारेज को शो करने के लिए कि हर इंसान के अंदर जो ब्रेवरी और कारेज इनसाइड के होती है उसको हम शो करें. अच्छा, सीन ऐसे था कि हम लोग बलोचिस्तान यूथ इनिशिएटिव और मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन और यूनिसेफ ने मिलकर ये इवेंट प्लान किया, जहाँ पे हमारे पास इस वक्त 60 के करीब वॉलंटियर्स हैं जो डिफरेंट अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ से आए हैं, अलग स्टूडेंट्स हैं, कुछ स्कूल वाले बच्चे भी हैं जो अपनी शौक से आए हैं. हमने सिर्फ इश्तहार दिया और उन लोगों ने हमें अप्रोच किया कि वो आर्टिस्ट हैं और वो करना चाहते हैं. तो हमने सबको बुलाया, पॉजिटिव मैसेजेस देना चाहते हैं कि खूबसूरत हो शहर थोड़ा. काफ़ी लोग क्वेटा में डरते हैं, उनको खौफ ज़्यादा होता है. टैलेंट हमारे इस सूबे में बहुत ज़्यादा है, हर बंदा आर्टिस्ट है और बहुत अच्छा आर्टिस्ट है, लेकिन लोगों के दिल में खौफ होता है, उनको समझ नहीं आती कि वो करें भी तो हम कैसे करें. हम लोगों का भी, हम लोगों की जो ऑर्गेनाइजेशन है, सिर्फ हम 10-15 दोस्त आपस में करते हैं, हमारे पास इतना रिसोर्स नहीं था कि इतना कर सके. इस दफ़ा हमारे साथ गवर्नमेंट की सपोर्ट थी, मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन की सपोर्ट थी और यूनिसेफ की सपोर्ट थी, जिस वजह से इतना बड़ा एक इवेंट हम कर सके, और माशाल्लाह से बहुत अच्छा चल रहा है.